हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस अबाउट योर टॉपिक आर्टिकल अकॉर्डिंग टू दी यू हैव टू स्टडी अबाउट यूज एंड मिस यूज ऑफ द। आगे बढ़ते हैं। कोई भी यदि आइलैंड रहता है, यानी एशियन में रहता है, तो उसमें हम नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और पीसीएन में रहता है तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे फिलीपींस, एंडमान्स, ये देखने में भी प्लूरल हैं, अतः इसमें दी का प्रयोग किया जाता है। और यदि यही रहता है सिंगुलर, जैसे जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, साइलोन हो गया, सिसली हो गया, ये सब सिंगुलर आइलैंड होता है, अतः इसमें हम नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोई भी सिटीजनशिप हो, किसी देश के नागरिक हो, जैसे सिंगुलर में रहेगा तो ए एन का प्रयोग करते हैं, और पी सी एन यानी प्लूरल में रहता है तो द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जांपल है इंडियन, इंडियन क्या है, सिंगुलर है, आई यहाँ पर वोवेल लेटर है, अतः इसमें आई एन का प्रयोग करते हैं। और यदि यहीं पर इंडियंस रहता है, भारतीय लोग हो गया, तो इसमें हम दी का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अमेरिकन आई एन होगा और अमेरिकन्स द होगा। आगे एक छोटा सा ट्रिक है, यूज ऑफ द बिफोर दिस ट्रिक। एक छोटा सा टॉपिक है, डबल या दोनों सभी को आप नामे जस्ट या एग्जैक्टली के बाद दे लगाएं। यहाँ पर आपको ये वर्ड देखना है, जैसा कि डबल दोनों का इंग्लिश वर्ड होता है बोथ, सभी का ऑल होता है, जस्ट या एग्जैक्टली, ये सब वर्ड के बाद हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि गिव मी डबल द अमाउंट, तो यहाँ पर डबल वर्ड है, इसके बाद आने वाले नाउन में क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे बोथ, बोथ के साथ यहाँ पर प्लूरल है, तो बोथ के बाद आने वाले नाउन, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये सब के बाद हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार ऑल के साथ द है, और यहाँ पर एग्जैक्टली के साथ भी राइट, यानी द राइट का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ डे एंड नाइट। डे एंड, हमारा जो दिन और रात जो है 24 घंटा में बटा हुआ है, और इसमें कहीं कहीं हम द का प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी पीरियड ऑफ टाइम जब रहता है 2 से 4 घंटा, यानी कहने का अर्थ है कि छोटा अंतराल रहता है तो एट का प्रयोग करते हैं, और बड़ा अंतराल रहता है तो इन द लगाते हैं। जैसा कि हम सुबह में लेते हैं 2 बजे से 4 बजे तक के हम समय को हम डाउन कहते हैं, जिसको हम भोर कहते हैं, तो इसमें हम एट का प्रयोग करते हैं। और 4 बजे से सुबह यानी अभी जब चल रही है, तो यानी इसको हम मॉर्निंग समय कहते हैं, तो इसमें हम इन द का प्रयोग करते हैं। और नून जो होता है, यानी कहने का अर्थ है कि 12 बजे जब होता है तो उसमें हम नून का प्रयोग करते हैं, तो यानी नून कहते हैं उसको, तो उसमें एट का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अब चलते हैं 12 बजे दोपहर के बाद 4 बजे तक को हम आफ्टरनून कहते हैं, तो इसमें इन द का, क्योंकि ये 12 से 4 यानी 4 घंटा का अंतराल होता है, मिनिमम 2 घंटे के अंतराल तक में हम एट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 से लेकर के 10 बजे रात्रि तक हम इवनिंग कहते हैं, जिसमें हम इन द का प्रयोग करते हैं। और 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक को हम नाइट कहते हैं, इसमें इन द का प्रयोग करते हैं, और एट का भी प्रयोग करते हैं। यानी खास रात्रि रहेगा तो यहाँ पर हम इन का प्रयोग करते हैं, और जो रात्रि जो परस्पर जब चलती है तो उसमें एट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर 12 बजे से 2 बजे यानी सुबह तक, यानी मिड नाइट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे इसको हम मिड नाइट कहते हैं, इसमें हम एट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको ये स्टडी करना था। आगे बढ़ते हैं मीन्स ऑफ ट्रेवल्स की तरफ। कोई भी ट्रेवल्स जो होते हैं, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, तो एक होते हैं सिंगुलर में, तो सिंगुलर में होते हैं, जैसे हो गया बस हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, ये सब ट्रेवल्स होते हैं। तो यदि सिंगुलर में रहते हैं हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव ए बस जनरली तौर पर, लेकिन इसी को पार्टिकुलर कर दिया जाएगा तो उसमें दी का प्रयोग करते हैं, जिसे ऑफ लगा दिया जाएगा, जिसे मान लीजिए कि द बस सी बाउट वाज ओल्ड, वही खास यानी खास बना दिया कि बस जो वह खरीदी थी यानी क्या थी, पुरानी थी, तो इसमें हम यानी पार्टिकुलराइज करता है तो दी का प्रयोग करते हैं। और यदि बाई लगा रहता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, तो हम कोई भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एम ओ टी का मतलब है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यदि बाई लग जाता है, जैसे ही
ऑलवेज ट्रेवल्स बाई ट्रेन, तो यहाँ पर बाई लग गया तो हम ट्रेन में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए हुए हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन में देखिएगा कि यदि इन रहता है, ऑन रहता है, फ्रॉम रहता है, तो द का प्रयोग हम करते हैं, जैसे ऑन द बस, इन द कार, यानी इसमें हम करते हैं, लेकिन बाई के साथ हम नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया है बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन, कोई भी आविष्कार के नाम, जैसे सिंगुलर में रहता है, जैसे टीवी हो गया तो आई हैव ए टीवी, आई हैव ए न्यू टीवी, और यदि इसी को पार्टिकुलराइज कर देगा किसी से संबंधित रहेगा, द टीवी सी बाउट यस्टरडे इज ओल्ड, यानी खास टीवी की बात कर रहा है जो अकल यानी खरीदी हुई थी यानी पुराना है, तो इसमें हम पार्टिकुलर में या ऑफ भी लगा रहता है तो दी का प्रयोग करते हैं। और यदि यहीं पे कोई भी इन्वेंशन में, जैसे मान लीजिए कि टीवी हो गया, तो यदि वॉच रहता है, ऑन रहता है, तो नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज ऑन टीवी, ही आई वॉच टीवी डेली, तो यानी वॉच करने में, ऑन यानी टीवी पर रहने में, यानी टीवी देखने में हम क्या करते हैं, यानी ऑन या वॉच के साथ नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और यदि प्रेफर भी रहता है, जैसे आई प्रेफर टीवी, तो प्रेफर में भी हम टीवी यानी एन का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वो रेडियो हो चाहे टीवी हो। अब आगे बढ़ते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है यानी वाद्य यंत्र रहता है, जैसे वो सिंगुलर में रहता है तो यानी एन का प्रयोग करते हैं, उसी को पार्टिकुलराइज कर देता है यानी खास बना देता है तो हम द लगाते हैं, और प्ले रहता है यानी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वर्ड पहले यानी वर्ड रहता है प्ले, तो उसमें दी का प्रयोग करते हैं, और यही बीट रहता है या ठीक है ना पीटने के अर्थ में रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव ए तबला, सी बाउट ए सितार हारमोनियम, अब यहीं पर द गिटार सी गेव मी ऑन माई बर्थडे वाज न्यू, तो गिटार खास यानी जो मेरे बर्थडे पर दी हुई थी यानी क्या थी, यानी नई थी। ही प्लेज द हारमोनियम वेरी वेल, यदि प्ले रहता है तो हम कोई भी चाहे तबला हो हारमोनियम हो कोई भी, द मंकी बीट्स ड्रम, अब यहाँ पर बीट यानी कोई भी बीट यानी रहता है, चाहे ड्राम हो तबला हो, यानी पीटने के अर्थ में हम क्या करते हैं, नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिफोर द नेम ऑफ फूड, कोई भी फूड का नाम, जिसे मान लीजिए कि सिंगुलर रहता है तो एन लगाते हैं, जिसे ए डिलीशियस लंच हो गया ठीक है ना, यानी डिनर हो गया, और पार्टिकुलराइज कर देगा जिसे लंच, सी कुकड यस्टरडे वाज वेरी टेस्टी, वह जो यानी कल बनाई थी बहुत स्वादिष्ट था, खास लंच के बारे में बता रहा है जो कल बताई थी, जिसमें हम दी का प्रयोग कर दिए। और यदि कोई भी रहता है आपका फूड आइटम्स जब रहता है और इसके पहले रहता है फोर, स्टे, आफ्टर, बिफोर, तो उसमें नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे दे केम टू मीट मी बिफोर डिनर, तो डिनर में हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बिफोर लगा है। तो ये जितने भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं, फोर हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, स्टे फोर हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी फूड आइटम्स जो भी रहते हैं या पार्ट्स नेम रहता है तो उसमें हम नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आज मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा, आप पिछले क्लास को जितने भी हैं आर्टिकल मैंने जो बताया है, ए एंड दी का प्रयोग और अनुप्रयोग, और जितना तक हम बताए हैं दी का प्रयोग और अनुप्रयोग, उसके बारे में थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिएगा और मैं आगे आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।